Narayan, 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 Narayan. Anand Ras Ratnakar, 19 July. ग्रंथ जिसमें से आज का पृष्ठ लिया गया है, ग्रंथ का नाम है गीता में भक्ति ज्ञान समन्वय, बिरला मंदिर दिल्ली में जो प्रवचन हुए थे महाराष्ट्र के, विषय दिया गया था गीता में भक्ति और ज्ञान का समन्वय। तो गीता में ज्ञान की भी बहुत उच्च कोटि की बातें हैं, भक्ति की भी, भक्ति योग अभी चल ही रहा है 3.5 से 4.5 के बीच में। तो गीता में भक्ति और ज्ञान का समन्वय है, ये कौन बता सकते हैं? जो जिन महापुरुषों को वो दृष्टि प्राप्त है, ज्ञान की भी और भक्ति की भी, एकांगी दृष्टि वाला ये भक्ति का निरूपण कर देंगे, ज्ञान को छोड़ देंगे। और दूसरे जो हैं कट्टर वेदांती, वो ज्ञान का निरूपण भक्ति का, गीता का कोई भी प्रसंग दो उसको ज्ञान पर घटा देंगे, है ना, भक्ति उसमें है उसको गौण कर देंगे, उसको उसकी कोई विशेष बात करेंगे नहीं। तो आज का जो पृष्ठ है उसमें महर्षि को भक्ति पे विशेष रूप से बोलना पड़ रहा है। और महर्षि अंत में सबसे बड़े ज्ञानी को लेके आएंगे आज के पृष्ठ में, वो है शंकराचार्य। तो भगवान शंकराचार्य जी की विशेषता यही है कि जहाँ ज्ञान का प्रसंग है वहाँ ज्ञान को स्पष्ट किया, जहाँ भक्ति का प्रसंग है वहाँ भक्ति को स्पष्ट किया। पर उनके जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी जिससे महर्षि बताएंगे कि कभी कभी बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष भी व्यवहार को लेकर, उनके जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों के हिसाब से वो अपना व्यवहार करते हैं। अभी जीवन मुक्ति के लक्षण चल रहे हैं मई के अंत में, तो वो जो व्यवहार को लेकर जो उनका आचरण है वो बिल्कुल ठीक है, धर्म से बिल्कुल समर्थित है उनका आचरण। पर वहाँ पर वो बहुत उच्च कोटि की जो स्थिति है वो क्या है उसको आज स्वयं बताएंगे महाराष्ट्र। तो मुख्य रूप से आज भक्ति के पक्ष को लेकर बताने वाले हैं। 19 जुलाई, शीर्षक है बस बस महाराज मैं आपको पहचान गया। ये शीर्षक जो है ये भगवान शंकराचार्य जी ने, उनके साथ समझ लीजिए कि लीला ही हुई, भगवान शंकर ने स्वयं लीला की, वो तो शंकर के अवतार थे, तो लीला में सब प्रकार की बातें होती हैं। तो भगवान शंकर ने जो बात बताई उसके आधार पे खुद ही बोल पड़े कि बस बस महाराज मैं आपको पहचान गया, मतलब आप कोई सामान्य चांडाल नहीं है, आप साक्षात भगवान शंकर हैं। भक्ति की महिमा है, परम पूज्य महाराष्ट्र कह रहे हैं आज के पृष्ठ में, 19 जुलाई के पृष्ठ में, भक्ति की यह महिमा है कि जब वह हमारे हृदय में आती है तो अकेली नहीं आती, भजनीय को लेकर आती है। भक्ति की यह महिमा है कि जब वह हमारे हृदय में आती है तो अकेली नहीं आती, भजनीय को लेकर आती है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत भगवत्य किंचना सर्वै गुणैः तत्र समास्ते सुराः, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणाः, मनोरथे न सति धावतो बहिः। श्रीमद्भागवत के 5वें स्कंद का ये श्लोक है, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसका भावानुवाद महर्षि ने किया है, यस्य अस्ति भक्तिर भगवत्य अकिंचना, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है तो बोले उसकी पहचान क्या है। तो पहचान अपनी ओर से महर्षि बता रहे हैं, ईश्वर पर आस्था होना,
एक अचिंत्य अनंत दिव्य अदृश्य शक्ति के प्रति श्रद्धा विश्वास होना, उसका ज्ञान होना, उसका स्मरण होना, उसके प्रति प्रेम होना। और जब वो आती है तो क्या करती है, श्लोक में बता रहे हैं, ऐसी भक्ति के आते ही सब देवता अपने अपने श्रेष्ठ गुणों को लेकर उस भक्त के पास आ जाते हैं। यस्य अस्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वे गुण ही तत्र समास्ते सुराः। तो ये सुराः मतलब देवता लोग, तो देवता लोग अपने अपने श्रेष्ठ गुणों को लेकर उस भक्त के पास आ जाते हैं। हराओ भक्त से कुतो महत गुणा मनोरथे न असती धाव तो भई। तो ये क्यों आते हैं देवता लोग, कह रहे हैं उससे भेंट करने भी आते हैं और उसको भेंट देने भी आते हैं, दोनों बातें हैं। सर्वे गुण ही तत्र समास्ते सुराहा, तो उसको आगे हम बाद में लेंगे। अभी इस पैराग्राफ में महाराष्ट्री जो बात बता रहे हैं, क्योंकि इस प्रथम पंक्ति में ही बता दिया कि जब भी भक्ति आवेगी तो भजने को लेकर आवेगी, तो यानी इसका अर्थ है कि भगवान स्वयं आ गए भक्त के हृदय में। तो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है तो उसकी पहचान क्या है, अब पहचान बड़ी सरल हो गई, क्या, ईश्वर पर आस्था होना, एक अचिंत्य अनंत दिव्य अदृश्य शक्ति के प्रति श्रद्धा विश्वास होना, उसका ज्ञान होना, उसका स्मरण होना और उसके प्रति प्रेम होना। तो यहाँ हमेशा महाराष्ट्र कहते हैं कि इस प्रकार के जो भक्ति के प्रसंग है उसमें सगुण साकार को लेना, सगुण ईश्वर को लेना, महाब्रह्म को मत लेना। तो ईश्वर पर आस्था होना एक अचिंत्य अनंत दिव्य अदृश्य शक्ति के प्रति श्रद्धा विश्वास होना है ना। तो ये जो लगा रहे हैं विशेषण, वो विशेषण किसके बारे में है, क्योंकि जितने विशेषण है अदृश्य शक्ति, दिव्य शक्ति, अनंत शक्ति है ना, अचिंत्य शक्ति, तो ये ठाकुर जी के लिए है, उसके प्रति श्रद्धा विश्वास होना। श्रद्धा विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है भक्ति में। और फिर कह रहे हैं उसका ज्ञान होना, यानी जब उसके बारे में सत्संग में सुनेंगे है ना, कैसे कैसे वो कष्ट में सहायता देते हैं, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, तो ये जो हम लोग कथा में सुनते हैं सब जानते हैं, यानी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिना बताए ही वो सब जान रहे हैं। और जानते हैं और शक्तिमान न हो तो वो भी बात नहीं है, सर्वशक्तिमान है और दयालु है। तो इसलिए ये सब उसका ज्ञान होना और उसका स्मरण होना, मतलब कथा में सुना तो था पर अब ध्यान में नहीं आ रहा क्या बताया, नहीं, उसका स्मरण होना मतलब बिल्कुल उसकी स्मृति है कि भाई वो आएंगे, रक्षा करेंगे, और उसके प्रति प्रेम होना। तो प्रेम जो है वो स्वाभाविक है कि ऐसी अचिंत्य अनंत दिव्य अदृश्य शक्ति के प्रति जब श्रद्धा विश्वास होगा और उसका जब ज्ञान हो जाएगा, स्मरण रहेगा, तो उसका प्रेम तो फिर इधर हो ही नहीं सकता। इसलिए महेशानंद गिरी जी कहते थे कि आप लोगों के मोक्ष की गारंटी तो मैं नहीं देता, पर अब आप लोगों को संसार जो है वो आकर्षित नहीं कर सकता। तो संसार आकर्षित कब करता है, जब हमको ये सब पता नहीं है। तो भक्त महाराषि कह रहे हैं कि उसकी पहचान क्या है, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और इतना ही नहीं, ऐसी भक्ति की आती है सब देवता अपने अपने श्रेष्ठ गुणों को लेकर उस भक्त के पास आ जाते हैं। ये प्रेम वगैरह होना तो ये तो मामूली बात है, सब गुण उसमें आ जाते हैं। तो गुणों के अंदर अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च जो देवी संपत्ति गिनाई है भगवान ने 16वें अध्याय में, वो सब देवी संपत्ति उसमें आ जाती है, क्योंकि देवता स्वयं लेके आते हैं, भेंट देते हैं उसको है ना, और भेंट मिलने भी आते हैं, भेंट करने भी आते हैं, भेंट देने के भी आते हैं। सर्वे गुण ही तत्र समास्ते सुराः, इस जो श्लोक में ये जो आया सर्वे गुण ही तत्र समास्ते सुराः, इसका विशेष अर्थ महाराषि कर रहे हैं। इसका अर्थ ये भी है कि कान अच्छी अच्छी बातें सुनने लगते हैं, बुरी बातें नहीं सुनते, आंखें अच्छी अच्छी चीज़ें देखने लगती हैं, नाशिका अच्छे गंध को सूंघती है, जीभ अच्छी वाणी बोलती है, पांव अच्छी जगह जाता है, हाथ अच्छा काम करता है। ये क्यों इस प्रकार की व्याख्या की महाराष्ट्र ने, क्योंकि जितनी हमारी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ हैं उनके अधिष्ठाता देवता हर एक व्यक्ति के जीवन में वो होते ही हैं। अब जब देवता स्वयं आ गए है ना और उनको भेंट दी, तो क्या भेंट दी, तो यही भेंट दी कि पहले तो जब तक देवता
देवता अधिष्ठाता देवता तो रहते हैं, पर अधिष्ठाता देवता का सर्वे गुण ही तत्र समास्ते सुराहा, ये भक्ति जब आई तब देवताओं को अब ये नहीं रहा कि भाई हमको सिर्फ अधिष्ठाता बन के रहना है। व्यक्ति बुरा कर्म करना चाहे बुरा कर्म भी कर ले, अच्छा करना चाहे अच्छा भी कर ले, है ना, पहले ये सब चल रहा था। पर अब जो है गुणों का आने का अर्थ ये है कि जब देवता गुण लेके आ गए, भेंट दे रहे हैं, तो उस भेंट में अब महर्षि इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि कान अच्छी अच्छी बातें सुनने लगते हैं। यहीं हम लोग बैठे हैं और कोई दूसरा बहिर्मुखी व्यक्ति बैठा है ना, तो सत्संग में हम लोगों का ध्यान है, वो बहिर्मुखी व्यक्ति जो है उधर समझो कोई चर्चा चल रही है तो उसका उधर चला जाएगा और वो सब वहाँ का सुन रहा है, यहाँ का सुन ही नहीं रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। कैसे? अब जो है देवता वो सजग हो गए कि अब हमने इस भक्त को वही बात सुनानी है जिससे उसका आगे उन्नति होगी, तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं सभी चीज़ों की बात कह दी। कैसे कैसे सुनो, कान अच्छी अच्छी बातें सुनने लगते हैं, बुरी बातें नहीं सुनते, आंखें अच्छी अच्छी चीज़ें देखने लगती हैं, है ना, नानक देव देख रहे थे उसको बालिका को, है ना, तो लोग बड़े आश्चर्य किए कि इतना नानक देव तो कभी ऐसे देखते नहीं है ना, तो जब उनको पूछा तो बोले कि मैं ईश्वर के सुंदरता को देख रहा हूँ। तो देखिए आंखें अच्छी अच्छी चीज़ें देखने लगती हैं, यानी पूरा एटीट्यूड पूरा है ना परिवर्तन हो जाता है। नासिका अच्छे गंध को सूंघती है, भाई नाक तो जो भी गंध आएगी उसको सूंघेगी सूंघेगी, पर ये देवता लोग कुछ ऐसा चमत्कृति करते हैं। अभी कोई प्रसंग आया था तो मैं सुना रहा था कि श्रद्धा में कितना चमत्कार है, तो वो श्रद्धा के चमत्कार में क्या बात आई थी कि लोटे वाली कथा तो आप लोगों ने सुन रखी है, पर उसको महर्षि ने अन्यत्र जो मैंने सुना यहाँ आनंद रत्नाकर में तो दूसरी तरह से दिया है, वहाँ दिया है कि उसको पीतल वाले लोटे को ले गया और चूंकि उसकी श्रद्धा थी तो उसमें श्रद्धा के कारण उस लोटे यानी उस धातु में ऐसी रासायनिक प्रक्रिया हो गई कि वो सोना बन गया। तो ये श्रद्धा के कारण धातु में भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, चैतन्य में तो रासायनिक प्रक्रिया होती ही होती है पर जड़ में भी। तो उस दृष्टि से एक कोई प्रसंग आया था तो हमने बताया कि वो श्रद्धा देखी उसकी, एक संत की सेवा में वो जो थे तो उनको ये सब सोच वगैरह का वहीं पलंग पर ही ऐसी स्थिति में मतलब आ गए थे, पर वो जो थे भक्त वो कहते थे कि हमारे जो गुरुजी हैं उनके सोच में भी सुगंध है, तो ये जो सुगंध है ये सबको नहीं अनुभव में आती थी क्योंकि दूसरे भी वहाँ भक्त थे शिष्य थे, है ना, पर वो जो एक भक्त जिसकी श्रद्धा थी है ना उसी को ये अनुभव में आता। ये महर्षि यहाँ कह रहे हैं नासिका अच्छे गंध को सूंघती है, तो इसका अर्थ क्या है भाई, जो दुर्गंध होगी तो नासिका को सूंघना ही पड़ेगा, पर नहीं, वहाँ जो है इसमें भक्ति आ गई ना, गुरु भक्ति कहो ईश्वर भक्ति कहो, तो कितना चमत्कार हो जाता है, जीव अच्छी वाणी बोलती है, है ना। अब हम चाहेंगे भी मतलब वो भक्त चाहेगा भी है ना, तो सरस्वती जी तुरंत, सुरेंद्र भाई ने कहा कि हम कुछ ऐसे बोलने ही वाले थे, कोई ऐसी व्यंग करने वाले थे, तो महर्षि कृपा से बिल्कुल ध्यान आ गया कि भाई ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत है, तो बोल देते तो अपमान हो जाता। तो ये क्या हो जाता है कि भक्ति में ठाकुर जी जो हैं देवता लोग जो हैं वो स्वयं सहयोग करते हैं, तो जीव अच्छी वाणी बोलती है ना, या चुप हो जाएगी, कल हमारी चर्चा चल रही थी, या तो चुप हो जाओ या बहुत ही बोलना है तो बड़े संभाल के बोलो, पांव अच्छी जगह जाता है, है ना। अब यहाँ पर चलो भाई आए हैं कोई, वहाँ फोन भी आया है तो वहाँ जाना चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो देवता जो हैं वो स्वयं कह देंगे कि भाई अपना भजन करो, और ये तो सब चलता ही रहता है ना, ये तो लगा ही है जीना मरना, उसमें कितना क्या जाए,
अभी हमारे वो NRI में कि जुड़े हैं नए NRI ग्रीन के, तो उनके वो जो माताजी हैं वो तो कृपालु महाराज के शिष्य हैं, और वकील साहब जो हैं वो तो अभी ऐसे कोई गुरु नहीं है उनके, पर आते हैं वहाँ कठोपनिषद में, तो उनके साले साहब की मतलब माताजी के भाई की मृत्यु हो गई, आगरा गए, आगरा से लौटे, उनका पुत्र आया हुआ था सिंगापुर से, तो हमको बुलाया भोजन पे, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, तो हमने कुशल मंगल करी हुई, भ्राता जो गुजर गए, बोले क्या बतावें स्वामी जी, वहाँ गए तो सही हम लोग, और बस वही चर्चा वही चर्चा वही चर्चा। तो फिर उसने माता जी का एक प्रश्न था कि ये जो करना पड़ता है, मतलब अभी हम तो वृंदावन आ गए पर फिर भी इस प्रकार की व्यवहार में ये सब निभाना पड़ता है, तो ये कब तक निभाना चाहिए। तो हमने उनको समझाया कि भाई अभी ठीक है, आप लोग गए, अब आ गए, और अब 13वीं में चले जाओगे, बस उतना ही तो व्यवहार है। और रही बात वहाँ, वो लोग तो वही चर्चा करेंगे, संसारी लोग तो उनकी जो जो व्यक्ति खाता है वही तो डकार आती है ना, तो जो हम सोचे कि भाई वो सत्संग की चर्चा करने लगे तो संभव नहीं है। अच्छा, हमारे लिए वो चर्चा बड़ी कठिन है, तो दोनों बातें हैं। तो इसलिए अब जो है आपको आगे चल के धीरे 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 अपने आप ही ठाकुर जी की प्रेरणा होगी कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वो लोग भी समझ जाएंगे कि भैया वो लोग वृंदावन रहते हैं, है ना, काहे को आएंगे वो। तो ये अपने आप धीरे 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 समाज में पता लग जाता है कि भाई अब वो भजन में लग गए हैं, तो कहने का मतलब कि पांव अच्छी जगह जाता है। तो अब वो भी व्यवहार की दृष्टि से देखें तो भाई बड़ी वाह वाह, ये हो है ना, कितना प्रेम है इनका, ये आए तो है ना, वो वाह वाह लूटनी है तो वो भी कर लो पर इसका कोई अर्थ नहीं है, वो वाह वाह जो है वो सब खाली लिप सर्विस है, हाथ अच्छा काम करता है ना, हाथ जो है वो बढ़िया कोई चीज़ लिखेगा और किसी को देना है तो देगा, है ना, लेना जो है ये अच्छा काम नहीं है, देना अच्छा काम है। लोगों को लगता है कि भाई ये लेना जो है, लेना ज्ञान है ना, भक्ति वैराग्य ये लेना, ये तो उसमें तो हाथ क्या करेगा, वो तो अपना हृदय भक्ति ज्ञान वैराग्य लेगा, हाथ जो है ये लेने का काम छोड़ देना, देने का काम करें, है ना, तो हाथ अच्छा काम करता है, हमारा जीवन सद्गुण संपन्न हो जाता है। तो ये सब महर्षि ने सर्वगुण ही तत्र समास्ते सुराहा, है ना, उन्होंने कहा ना पंडित गया प्रसाद जी या राधे बाबा, किसी ने कहा कि जब कोई बुरा काम, बुरा कोई विचार आवे तो उस समय इस प्रकार से भाव करो कि हमारे दोनों हाथ ही नहीं है, है ना, तो हाथ के बिना तो क्रिया होगी नहीं, और जब कोई अच्छा काम हृदय में आवे करने का तो ऐसे कल्पना करो कि हमारे 1000 हाथ हो गए, है ना, तो हाथ अच्छा काम करता है। अच्छा, हराव भक्तस्य कुतो महत गुण, मनोरथे न असती धाव तो बही, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है उनके जीवन में सद महत गुण कहाँ से आएंगे, है ना, वे तो पाटीबंदी करेंगे, जबकि भगवान में पाटीबंदी नहीं है, भगवान तो सबके आत्मा है, सर्वात्मा है, है ना, तो सबके आत्मा सर्वात्मा होने से वहाँ पाटीबंदी नहीं है। और ये पाटीबंदी क्यों है, जीव सृष्टि और कल यानी अभी तो 18 जुलाई, हाँ तो 18 जुलाई में ही, कल ही मैंने बताया था कि ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, तो जीव सृष्टि में ये सब पाटीबंदी वगैरह है, ईश्वर ने तो, ईश्वर तो सबकी आत्मा है, सर्वात्मा है, तो इसलिए वहाँ पाटीबंदी का प्रश्न ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है उनके जीवन में महत्वगुण आएंगे कहाँ से, भगवान की भक्ति अगर है तो फिर ऊपर ही श्लोक में बता दिया कि भाई देवता लोग भी सद्गुण ले आएंगे, है ना, वो भी भेंट दे देंगे भाई ये रख लो, है ना, पहले तो प्रयास करके भी सद्गुण नहीं आ रहे थे, पर भक्ति ने क्या चमत्कार किया कि स्वयं देवता लोग आके और उस व्यक्ति को, है ना, महत्व जो है अच्छे अच्छे गुण आ गए, तो अब देखते हैं तो भाई गजब हो गया, व्यक्ति जो है 5 साल पहले तो पता नहीं कैसा था,
और आज जो है एकदम बदल गया है ना, तो कह रहे हैं कि ये उसमें आ जाएगा। और वो दूसरे लोग बोले उनका तो बस यही चलेगा है ना, वो खराब है ना, निंदा स्तुति और राग द्वेष की सब चर्चा। अच्छा, अब अंतिम दो पैराग्राफ में महाराज जी समझा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्व सर्वगत सर्व उराले, भगवान सब हैं, सब में हैं और सबके हृदयों में रहते हैं। ऐसे भगवान की भक्ति जब हृदय में आती है तो स्पर्धा, असूया, तिरस्कार और अभिमान, ये चार दोष तुरंत निवृत्त हो जाते हैं। अभी तक तो महर्षि सिर्फ गुणों गुणों की बात कर रहे थे कि गुण आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, पर अब और सुनो क्या कि भक्ति की महिमा जो सुनाई गई है उसमें पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात और बाद में आगे चल के एक श्लोक है ना भागवत का, उसी के आधार पर महर्षि बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति जब हृदय में आती है तो स्पर्धा, असूया, तिरस्कार और अभिमान, ये चार दोष तुरंत निवृत्त हो जाते हैं। अब तिरस्कार को लेके विशेष व्याख्या करेंगे अंत में, पर पहले हम तुलसीदास जी की बात को ले लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्व सर्वगत सर्व उराले, भगवान सब हैं, एक बात, सर्वगत हैं है ना, यानी सब में है, और सर्व उराले और सबके हृदयों में रहते हैं। तो पहले तो सब रूप में भगवान ही हैं, दूसरे सर्वगत हैं यानी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं है, और फिर सबके हृदयों में रहते हैं यानी अंतर्यामी के रूप में भी भगवान ही हैं। तो हमारा जितना जो अंतर्यामी का अर्थ होता है हमारा, हमारी जीवन का संचालन, अंतर्यामी का अर्थ बहुत सीमित लोग समझते हैं कि अंतर्यामी यानी हृदय की सब बातों जानते हैं, वो भी अर्थ निकलेगा अंतर्यामी का, पर मुख्य अर्थ अंतर्यामी का है कि हमारे जीवन का जो संचालन है वो प्रभु के हाथ में है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्व उराले, जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान सबके हृदयों में रहते हैं, तो सबको चला तो वही रहे ना, तो अब वो जो सामने वाला कोई गलत काम हमको दिख रहा है तो हम क्यों उसके प्रति घृणा कर रहे हैं, क्यों द्वेष कर रहे हैं, जब हमको ये बात समझ में आ गई कि चलाने वाला ईश्वर ही है ना। इसीलिए मैंने एक बार सुनाया था, फिर दोहरा देता हूँ कि व्यास जी ने अपने तपोबल से जितने कौरव जो मर गए थे सबको एक रात के लिए जिंदा कर दिया और कहा पांडवों को कि आज रात आप लोग इनसे मिल लो, क्योंकि अब तो वो रहे नहीं पर मेरे तपोबल से आप मिल पाओगे। तो भीम ने, जैसे ही दुर्योधन आया मिलने के लिए, भीम ने कहा हटो हटो है ना, मुझको मिलना ही नहीं, बोले अब तो गले लग लो, बोले नहीं कोई गले वले नहीं लगना है। तब व्यास जी वहीं खड़े थे है ना, व्यास जी ने कहा कि देखो बेटा भीम है ना, दुर्योधन ने जो भी उसके जीवन में जितनी बातें हुई हैं, दुर्योधन उसका कर्ता नहीं है, ठाकुर जी ने ही उससे ये सब करवाया। तो सर्व उराले का मतलब यही है कि अंतर्यामी जब भगवान हैं तो संचालन तो भगवान ही कर रहे हैं ना, तो अब भगवान को जिस प्रकार का जो नाटक रचना है उस नाटक के हिसाब से उसको वहाँ उसकी भूमिका दी रखी है। अब उसमें वो दुर्योधन को दोषी देख के और अब मरने के बाद भी उससे नहीं मिलना चाह रहा है, तब ये बात जब समझाई तब भीम उसके दुर्योधन के गले मिला। तो ये तुलसीदास जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, सर्वगत हैं ये भी हम लोग समझते हैं, सब रूप में हैं ये भी समझते हैं, पर सर्व उराले हैं यानी सर्वांतर्यामी हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि हमारे जो राग द्वेष बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं कि वो व्यक्ति जो है बहुत बुरा है, पर ये जब समझ में आएगा कि बुरा अच्छा कुछ नहीं है, ये तो भगवान जिस प्रकार से जो लीला करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से महाराज कह रहे हैं कि ये भक्त को ये दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। क्या? कि सर्व सर्वगत सर्व उरालय जब है तो फिर ये स्पर्धा, असूया, तिरस्कार, देखिए वो तिरस्कार किया ना उसने, वो जो मुर्दा जिंदा हो गया उसका बोले हटो हटो है ना, मुझको तो गले नहीं लगना है, तो तिरस्कार भी गया, असूया है ना, गुण में दोष बुद्धि, ये है असूया। असूया का अर्थ होता है कि व्यक्ति भजन कर रहा है, हम कहते हैं काय का भजन कर रहा है, अरे वही तो है ना, सब पाखंड है उसका, हम जानते हैं क्या है उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, ये असूया है। स्पर्धा, कंपटीशन है ना, रहती ही नहीं है कंपटीशन, भाई जो भी है ठाकुर जी सबको चला रहे हैं, ठाकुर जी ही है ना उस रूप में आगे बढ़ रहे हैं,
तो ये जो अभिमान, अभिमान तो सबसे गड़बड़ है ना, अहंकार, अहंकार तो सबसे पहले रवाना, क्योंकि अहंकार का वहाँ काम ही नहीं है, है ना। तो ये जो है इसका अर्थ यही है कि भक्त को हम किस दृष्टि से देखें। भक्त को देखना एक बात, और हमारे में भक्ति आ रही है कि नहीं दूसरी बात, दोनों बातें हैं। तो भक्त को तो हम इस दृष्टि से देख ही सकते हैं कि अब वो जो है संसार का, संसार के विभाग का नहीं रहा। इसी को वल्लभाचार्य जी ने कहा है आत्मार्था सृष्टि और जीवार्था सृष्टि। जीवार्था सृष्टि मतलब लोकार्था, परार्था, लोकार्था, जीवार्था, ये सब एक ही है। जीव सृष्टि दुख वाली, तो वो भक्त उस फंड में नहीं है, भक्त आ गया इधर आत्मार्थ सृष्टि में। अब यही जो है कसौटी हम अपने लिए भी, सर्व सर्वगत सर्व उरालय, यानी हमारे में भक्ति आई कि नहीं, वो पता लग जाएगा जब हमको ये अनुभव में आएगा कि भाई अब कुछ हमारी वृत्ति उधर जाती ही नहीं है। उधर जो संसार की जो पहले बातें आती थी, है ना, वो ख़राब, वो अच्छा, है ना, ये कर लें, वो कर लें, स्वार्थ की बातें बार बार आ जाती थी, है ना, तिरस्कार, असूया और ये सब, स्पर्धा, अभिमान, तो ये चारों के चारों बिल्कुल भक्ति के आते ही ये चार दोष तुरंत निवृत्त हो जाते हैं। तो ये बात बता के महर्षि ने इस पृष्ठ की ये गरिमा बता दी कि गुण सब आ जाते हैं और दोष जो हैं वो अपने आप विदा हो जाते हैं। अब क्या हुआ, अब तिरस्कार को लेकर महर्षि एक विशेष बात सुनाने जा रहे हैं अंत में। तिरस्कार वह है जिसकी भावना आने पर हम कहते हैं हट हट तू नीच है। तो उसी प्रसंग में महर्षि को ये बात याद आई, एक बार स्वयं शंकराचार्य ने एक चांडाल को कह दिया कि दूरम गच्छ, दूर हटो। अब वो तो चांडाल थे नहीं, हो तो भगवान शंकर थे, है ना। तो इस पर उस चांडाल के भीतर से शंकर जी बोल पड़े, दूर हटो किसके लिए बोल रहे हो, देह को दूर हटाना चाहते हो कि देही को दूर हटाना चाहते, देही यानी आत्मा। देह तो हमारा और तुम्हारा अन्नमय कोश है, एक ही है, मिट्टी पानी आग से बना हुआ है, है ना, पंचमहाभूत से, वायु और आकाश, किंतु देही में तो भेद ही नहीं है। बोले भाई देह तो चलो हमारा भी पंचमहाभूत है, तुम्हारा भी पंचमहाभूत है, है ना, पर आत्मा यानी हम तो पवित्र हैं, है ना, तुम अपवित्र हो, तो इसलिए। तो बोले नहीं, देही को भी तुम नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि देही तो हमारा और तुम्हारा अन्न में, देही में तो भेद है ही नहीं, है ना, देही तो एक ही होता है, देही दो नहीं होते। आत्मा आत्मा जैसे अभी यहाँ आकाश फैला हुआ है, तो यहाँ के आकाश को हम कह देंगे, कमरे के आकाश को मठ, मठ बोल देते हैं संस्कृत में, हाँ। मठ आकाश, और महाकाश जो बाहर फैला हुआ है उसको महाकाश बोल देंगे। और यहीं पे मेरे बगल में यहाँ घड़ा रखा है, कल एक घड़ा लाया मैं, है ना, तो इसके अंदर घड़े में जो आकाश है उसको कहेंगे घटाकाश। तो आकाश तो एक ही है ना, नाम मैंने घटाकाश दे दिया, महाकाश दे दिया, है ना, मठाकाश दे दिया, उससे क्या हुआ, आकाश एक ही है। तो देही जो है, आत्मा जो है, वो भले श्याम जी में अलग, हमारे में अलग, क्योंकि ये घड़े पड़े हैं ना, तो घड़े पड़े हैं इसलिए लगता कि ये आत्मा अलग है, ये अलग है, ये आत्मा अलग है। आत्मा एक ही है, जैसे आकाश एक ही है, तो महापुरुष लोग समझाते हैं, तो देही में भेद नहीं है, देही तो एक ही है, अद्वितीय है। और अन्नमय कोष वगैरह, देह को लेकर अगर तुम कह रहे हो दूर हटो, तो पंचमहाभूत तेरे में भी है, हमारे में भी है, फिर तुम किसको हटाना चाहते हो। अब श्री शंकराचार्य जी की आँख खुली, हाँ क्या खुलनी है, वो तो महापुरुष थे, है ना, तो वो तो तुरंत पहचान गए। तो उन्होंने चांडाल को देखा और बोले कि बस बस महाराज, मैं आपको पहचान गया, मतलब आप चांडाल नहीं है, आप तो साक्षात भगवान शंकर हैं, हमको मतलब हमारी दृष्टि के वहाँ बहुत बढ़िया। उन्होंने मनीषा पंचकम करके पांच श्लोक बोले कि ऐसा कोई हो, है ना, जो ये कह रहा है ना, जो ज्ञान शंकर जी ने दिया उनको, बोले ऐसा कोई हो तो भले चांडाल ही क्यों न हो, वो हमारा गुरु है। तो चौथी पंक्ति हर एक श्लोक में मनीषा पंचकम, तो वो बड़ा प्रसिद्ध है उनका मनीषा पंचकम, पांच श्लोक बनाए उन्होंने और उसी वक्त बोले। तो मनीषा पंचकम में वेदांत का सार सर्वस्व है, और उसकी हर एक चौथी पंक्ति में यही है कि वो ऐसा जो है महापुरुष जिसको ये ज्ञान है, तीन पंक्तियों में वो वेदांत का ज्ञान बताते जा रहे हैं कई दृष्टियों से, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, क्योंकि वेदांत का ज्ञान तो पूरी प्रक्रिया होती है ना,
तो उस प्रक्रिया को समझाते जा रहे हैं और हर एक के श्लोक के अंत में कहते हैं कि ये ज्ञान जिसको है ना, वो तो चांडाल शरीर में ही क्यों ना हो, वह हमारा गुरु है। तो मनीषा पंचकम उनका इसी घटना को लेकर, वाराणसी में ये घटना हुई थी है ना, गुजर रहे थे, छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ, तो सामने से वो आ गया झाड़ू लेके, तो ये तो स्नान करके, गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो भाई थोड़ा दूर हट जाओ ताकि मैं निकल जाऊँ, है ना, तू तो एकदम सामने से आ रहा है। तो भगवान ने वहाँ लीला करी, नारायण 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 नारायण।